हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कढ़ाई पनीर, यम्मी यम्मी एंड टेम्पटिंग। चलिए आइए बनाते हैं कढ़ाई पनीर। चलिए अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं और शिमला मिर्च को तल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा मिक्स भी कर लेंगे सो दैट ऑयल इसमें रस जाए। अब इसमें हम प्याज भी डाल देंगे, बड़े बड़े प्याज हमने कट करके रखे हैं, प्याज को भी हम फ्राई कर लेंगे शिमला मिर्च के साथ सिंपल ऑयल में। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि हल्के हल्के से ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसे, ये हल्का ब्राउन हो चुका है, हम इसे निकाल देंगे। चलिए इसे धीरे धीरे निकाल देंगे, बहुत सेफ्टी के साथ निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ऑयल पड़ा हुआ है कढ़ाई में उसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा थोड़ा सा भुन चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। हल्दी, और मिक्स कर लेंगे हम इसे। अब हम इसमें हल्की सी मिर्ची भी डालेंगे 1 स्पून, धनिया 2 स्पून डालेंगे, और हम इसे फिर अगेन मिक्स कर लेंगे। ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा प्याज। अब हम इसमें जो हमने प्योरी बनाई थी टमाटर की, अब हम वो भी मिक्स कर देंगे इसमें। फिर अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हल्का सा, जब जो हमारा मिक्सचर है, आप देखिए अब हम इसमें क्या डालेंगे। अब इसमें हम तले हुए अपने फ्राइड अनियन और कैप्सिकम डाल देंगे, शिमला मिर्ची और प्याज को हम डाल देंगे अपने मसाले में। अब हम थोड़ी देर इसे मिक्स करेंगे, पूरा मसाला इसमें रुच जाएगा अच्छे से। हमारा शिमला मिर्च और प्याज पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स जो हमने कट करके रखे थे, हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए और इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे ज़्यादा देर हीट नहीं करेंगे, हम इसे मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि प्याज हम फ्राई पहले ही कर चुके हैं। अब हमारा शिमला मिर्च और पनीर रेडी है, चलिए आइए खाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।